राम राम भाई दोस्तों। तो हो चुकी है अपने दिन की शुरुआत आज की, और आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह लेके आया था एक छलनी, वो इसलिए कि भाई खेत में जाके थोड़े मोटे काम हैं, और आज आप लोगों को पूरे दिन की जर्नी दिखाएंगे कि हमारा हार्डवर्क कितना रहता है भाई। तो भाई जो रैपर चाल लग रहे थे ना, उसके नीचे गेहूँ बच जाया अगर, वो आप छाने लग रहे थे। तो मेरे पास छलनी कौन थी, तो आज मैं इसने खरीद के लाया था। तो 60 रुपये में बोल, मैं 50 में लगवा लिया, 10 रुपये तो छोड़ने पड़ेंगे भाई। बार्गेनिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो काम कौन चल रहा है। यहाँ अपनी लूना है, चल भाई चल पड़ी बिना रोक टोक के। लो भाई सबसे पहले तो भाई पानी पीवा भाई, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं भाई। कालो सो रहा है, वो देखो एक और सुत्या, पूरी पूरी भी सुत्या है के। अच्छा भाई सो जाओ सो जाओ, खाना रख देते हैं भाई, रोटी देख दे। सीधी बढ़िया ठीक, पोपड़ी अपनी गेहूँ उसको छाणांगे भाई। अरे ये गिया, इसमें बीज हैं बहुत सारे। इन्हें फोड़ूंगा और इंस्टा खतरे की रील बनाऊंगा बढ़िया। अपना तो ये बचा भाई, किसाना के बचा, किसाना का तो भाई ये बचा है। छोटा मोटा रेता रूता कर करके ना अपना कर लिया भाई, गुजारा हो रहा चल रहा है काम। नहीं तो आप क्या है, करम के को रहा ना, करम के करम फोड़ के लावांगे। इनमें वन तूड़ी तूड़ी और ना पाओगी भाई। भाई साहब ये बताओ यार, गर्मी का तड़ाका पड़ लग रहा है। ये देख लो ये गेहूँ पड़ी है, इसमें इतनी है मट्टी है, इतनी गेहूँ है। तो अगर इसकी आपने गेहूँ गेहूँ काटनी तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसकी छानना पड़ेगा भाई। देखिए इसमें तो सारी ये 5 किलो गेहूँ कट पाऊँ और खुबायत हो जाएगी नर्री। ये मतलब है खुबायत, मेहनत कहूँ भाई, मेहनत का मतलब है बिना माटी। और जो भाई मेरे ऊपर यह तार दिख रहा रहता हमने, इसमें है 4 लाख वोल्टेज, यानी कि अगर इस तो 1 मीटर दूर होना मेरा तो यह मैंने ऊपर ना खींच लेगी, इतनी ताकत है इसमें। दे लो ट्रैक्टर वाला बूंदी डाल खींच रहा है भाई, सर ले रहा है गोर मगो सूटा तार रखे भाई। देख ले किसकी रेल लिखड़ है। हाँ भाई छोरे हो, ओए कुरी ये देख लो भाई सुते पड़े हैं कुरी। ये ठीक समय है इनमें भाई, एक आधा वैद्य होगा सही, एक आधा सुस्त होगा जमा, सारे डाल की कैटेगरी होगी इनमें भी। ये देख लो ये कली वाला वैद्य है, मना हाथ मटाया था एक दिन। देख भाई तुमने यहाँ एक और चीज दिखाऊं मैं, ये होगा सुहांजना और पेड़ पर लगने वाली सब्जी है यार, शायद पहली सब्जी होती हुई जो पेड़ पर लगती है। एक दूसरी होती है कटल और एक यह है भाई सुहांजने की फली, फली लगी इस पर फूल लगे हुए थे पहला और फूल में हमने तोड़ लिए, सब्जी बनाई थी फूलों की, इविन की फली लग रही देखा एक दिन दुट्टा लगा कि इन्हें तोड़ा। मैं अपनी गेहूँ साफ करने लग गया, तरुण भी लगा हुआ है, हमारी लड़ाई माच गई। ये अपनी छलनी रही भाई, गनिए तो मैंने कर दी साफ है। ये देख ले भाई हाँ सारी माटी काट दी बाहर, बिकने लग रहा हूँ मैं इन्हें सारी ने।
ले भाई तुरन भी लग गया और मेरा मैंने काम कर दिया कंप्लीट। कितनी सारी मिट्टी लिगड़ी नीचे देख लो भाई साहब, 10 किलो मिट्टी होगी, हो गई 40 किलो, 600 रुपया भाई देख लो, 3 घंटा में 600 रुपये कमाया, 200 रुपये घंटा, 200 रुपये घंटा और अपने खेतों में। और वाह यार ठंडा पानी मिल गया ही, और अपना गिलास अपने हाथ पैर धो के मुँह हाथ धो के फिर पानी पीवाए भाई। 40 किलो गेहूँ इकट्ठी करी थी भाई, मतलब कल इकट्ठी करी थी, और करने को तो मतलब कल भी कर देना मैं, लेकिन फिर भी यार नू था आज छलनी छुलनी ला के मन बिल्कुल बरसाती, एक नंबर की चंगी काम हो गया, फिट हो गया, 800 रुपये की दिहाड़ी बन गया अपनी, अपन टूर में काम आऊँगे, कितने भी आप घूमने जावांगे तो हमने वो लोग देवांगे, उसमें अपना खर्चा पानी में काम आऊँगे, नूए कड्डा भाई खर्चा पानी आपा कि भी अपनी कमाई को नहीं होती, थोड़ी मोटी कम हो भाई। आग लग गई भाई साहब गेहूँ के खेत में, धुआं धुआं हो गया भाई साहब। भाई पहुंच गया अपने घर, रास्ते में एक दोस्त से लेके आया था मैं पानी पूरी पिया करो, ये मज़ा आता है भाई ऐसे ऐसे पानी पीने में। वाह भैया वो कोई नाम ले आया भाई बहुत ज्यादा कड़ा है तेरा नाम दिखा, ईव के मिला भीम स्टेडियम में, भीम स्टेडियम में अभी कुछ नहीं मिला है, आएगी रिपोर्ट थोड़े एक दिन बाद। पता भाई 800 मीटर कितने मिनट में हमारी भाई, ये पता नहीं, पहले चक्कर में सबसे आगे था और दूसरा में आधा सारे मांगे था, और फिर एक छोटा सा बात वो अपने कह दिया, मतलब कि अगर वो मुंडे नहीं करता तो फर्स्ट पोजीशन पक्का थी, फर्स्ट आ जाओ अर्थ। हाँ वो ग्राउंड थोड़ा ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा देख छोरा रेस मारा भाई, दुम्मा ठाणिया बालक सब भाई योगो को, एक दुम्मा ठाणिया मैं सू और एक भाई मारा यो सब भाई, एक नंबर का छोरा है भाई गोगो, गोगो नाम है भाई इसका। अभी शाम हो गई थी भाई, शाम ने चाय चू पी के आप आए थे ग्राउंड में, ये अपना ग्राउंड है अपने गाँव का, आड़ प्रैक्टिस मारा भाई सपाटे शोर हरियाणे का, बिल्कुल नेचुरल भाई, आप कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं लेंदे, सिर्फ रोटी पानी खावा पहला मैस थी, वह भी कोई नहीं मारा बस नुए देसी आदमा, ये सपाटे मार रखे जिते थोड़े सांस से डरे भाई, कल टेम पे कैमरा खोल दिया सांस से डरे बुंडे, देखो भाई सही है ना भाई छोरे, एक और सेट लगाते सपाटे का। कहने का मतलब यो है मेरे भाई, भगवान सब ने एक जैसा पैदा करा है, किसी ने किसी से ज़्यादा ज्ञान को नहीं होता, इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखो, जब तक ना खुद पर विश्वास हो जाएगा ना मेरे भाई, उस दिन धर तक कोई नहीं है, कोई भी कसम तय कोई भी ना है धर तो ऊपर, लेकिन खुद पर विश्वास इतना जल्दी होता को नहीं भाई साहब, मैं कितना चिल्ला लूँ मेरे वो लोग कितना बोल लूँ आपने नुआ लगेगा जन वो मारा है भंग, लेकिन सच्चाई है भाई, जब तक खुद ने बढ़िया सोचने लग जगह ने फिर तेरे तो ऊपर कोई ना मिले तेने, फिर तय है बादशाह भी हर नौकर भी तय है बस भाई साहब। हो गया अपनी प्रैक्टिस, अब मौसम हो गया खराब, पीछे देख लग रहा बादल हो गए, और भाई थोड़ी हालत भी थोड़ी शीशी होगी, पसीना पसीना आ गया अंदर भाई के, भाई साहब वर्कआउट करने में मज़ा तो आवे, तो भाई ने अभी तंग नहीं करते, और भाई आपको अभी तंग नहीं करते अब ठीक है भाई। तो व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, देखो मेरे व्लॉग में आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है मेरी हार्ड लाइफ, मेरा स्ट्रगल, मैं दिन में क्या करता हूँ, मैं सारा दिन क्या करता हूँ मेरे भाई, मेरा स्ट्रगल ही चलता है मेरे व्लॉग में, और अपनी फैमिली चलती है भाई, अपनी मेरी दादी है ना जो बूढ़ी दादी, वो थोड़ी बीमार चल रही है आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो गई उनकी तबीयत यार, वही बात है अब थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बुरा लगा है यार, क्या करा फिर आप तो कुछ कर नहीं सकते ना अपने हाथ में, क्या है ठीक है भाई साहब, अब शाम हो गया
अपने ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। अब कल मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।